इलाहाबाद पुलिस ने 25 सितंबर को हुई 23 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 23 लाख रुपए की नकदी समेत हथियार और लूट की बाइक भी बरामद की। एडीजी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने 25 सितंबर को एक व्यक्ति से 23 लाख की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन करते हुए सफलता हासिल की। राइटर सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड का प्रशांत राय अपना जब कैश कैरी करके जा रहे थे, लगभग 23,80,000 रुपया का लूट उनके साथ घटना घटित हुआ था, जिस घटना का इलाहाबाद जनपद के पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नितिन तिवारी जी के नेतृत्व में, बाकी उनके क्राइम ब्रांच एवं धूमनगंज और सभी के प्रयास से और हम लोगों ने उसको बरामद करने में सक्षम हुए और इसमें सभी जो संबंधित 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं और वो 23,28,000 रुपया इसमें बरामद हो गया है, ये आपके सामने इस समय है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।